साहब की वफ़ात हुई, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मेरे पास कहने के लिए क्या है, मेरे पास तो यादें हैं जिन्हें मैं सारी ज़िंदगी याद करती रहूँगी उनके। बस मुझे दुख बहुत छोटा लफ्ज़ है, अफसोस बहुत छोटा लफ्ज़ है, घाव, ये वो घाव है जो कभी भर नहीं सकता। सारी ज़िंदगी मैं ये इस घाव के साथ ही मैंने जीना है, इस घाव के साथ ही मैंने मरना है। सच्ची बात ये, मौत याद रखनी चाहिए, मौत बरहक है, हर इंसान को आनी है। मुझे अपने साथ साथ जो उनकी फर्स्ट वाइफ है उनका भी बहुत दुख है। मेरे साथ शायद उनका इतना टाइम नहीं गुजरा, उनके साथ उनका ज़्यादा टाइम गुजरा है और वो भी बहुत परेशान होंगी। मैं उनके दुख में भी बराबर की शरीक हूँ, जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे उनके बच्चे हैं, ये बच्चे उनके बच्चे, उनके बच्चे मेरे बच्चे। मैं इसी तरह से मैंने हमेशा उन्हें प्यार किया है और आइंदा भी करती रहूँगी, और उन्होंने भी मेरे बच्चों से बहुत प्यार किया है और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी वो करती रहेंगी। और अल्लाह ताला कैफी साहब को जन्नतुल फिरदौस में जगह दें और रज़ाला बेगम को भी हौसला दे ज़िंदगी गुजारने का अपने बच्चों की पर। अब क्योंकि बच्चों का मेरा और मेरे बच्चों के अलावा कोई नहीं, उनका उनके बच्चों के अलावा कोई नहीं। सच्ची बात है, बाप का साया बहुत बड़ा साया होता है, एक साहिबान होता है, साया नहीं होता, साहिबान होता है, एक बादल होता है जो जब औलाद चाहे कि अब ये बरसे तो वो बरस पड़ता है, औलाद चाहे ये ना बरसे तो वो नहीं बरसता। बाप इतनी बड़ी चीज़ है, ये उनके जाने के बाद हमें एहसास हुआ। हालांकि वो हमारी ज़िंदगी में नहीं थे लेकिन वो लगता था कि हर वक्त हैं। मुझे तो हमेशा ये लगा वो थे, वो हैं और वो रहेंगे, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम इलाही। आपके अपने वालिद की वफ़ात के बारे में फिर आप क्या कहेंगे? उनकी वफ़ात के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि उनकी कमी हमारी लाइफ में तो कभी पूरी नहीं हो सकती, और उनकी शख्सियत के बारे में तो आपने अब तक काफ़ी लोगों से पूछ लिया होगा, इसलिए मैं क्या बता सकता हूँ उनके बारे में। ये बता सकता हूँ कि मैंने उनके साथ एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर दो फिल्म की, और अचानक ही मैं उनके असिस्टेंट हुआ। लेकिन मुझे कोई ऐसा खास शौक नहीं था, लेकिन मेरे बड़े भाई को वो लॉन्च कर रहे थे एज हीरो आमिर कैफी को, तो मैंने फील किया कि मुझे भी करना चाहिए काम, तो मैंने उनको कहा कि मैंने आपको असिस्ट करना है, तो फिर उसी फिल्म में मैंने उनको असिस्ट किया। तो टेक्निकली उनसे बड़ी चीज़ें सीखी, ज़िंदगी किस तरह गुजारनी ये भी उनसे सीखा। उनकी कमी नहीं पूरी हो सकती। मुझे एक वक्त है जो सबसे अपनी लाइफ का यादगार रखता है, वो यही रखता है कि मेरा भी कुछ दिनों के बाद फर्स्ट सिंगिंग एल्बम जो है वो मार्केट में आ रहा है। किस नाम से? गुरूर। तो मुझे गाने का शौक़ हुआ तो मैंने अबू को कहा कि मेरा गाना सुन लें एक दफ़ा, ताकि मैं फाइनली, मुझे अगर आपने अप्रिशिएट कर दिया तो फिर मुझ में हौसला आ जाएगा कि हाँ यार मैं अब करूँ ये काम। तो उन्होंने मुझे 10-15 दिन नहीं सुना, और 10-15 दिन के बाद एक दिन अचानक मुझे गाड़ी में बिठाने का, चल मैंने तो किसी से मिलाना है, तो उधर लेके गए। उधर वो एक म्यूज़िक डायरेक्टर थे साबिर साहब, और उधर मैं परवेज मलिक साहब भी बैठे थे और भी कुछ सीनियर लोग बैठे थे फिल्म इंडस्ट्री में। उधर उन्होंने फिर मुझे कहा कि यहाँ पर गाना गा, अब यहाँ तो मेरी बहुत इंसल्ट होगी आज, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा, या फिर आज मेरी बड़ी इज्जत होगी, तो आज या आर या पार। तो मैं उसको इसलिए कन्फ्यूज ज़्यादा हो गया, उसमें काफ़ी बड़े लोग बैठे हुए थे, लेकिन मैं गाया, वो बड़े खुश हुए, मुझे गले लगाया और फिर उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि तुम ये काम करो, और फिर उन्होंने मुझे बल्कि ये कहा कि तुम डायरेक्शन ना करो तो सिंगिंग की तरफ ही आओ। लेकिन हमने बचपन से अब्बा का डायरेक्शन में इतना रूज देखा हुआ था कि हम उससे बहुत फैसिनेट थे कि हमने डायरेक्शन करनी। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है, आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस काबिल करें कि हम उनकी लेगेसी को कंटिन्यू करें और उनके नाम को मज़ीद रोशन करें, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करें और उनकी रूह को हमेशा हमारी तरफ से खुशी मिले। आमीन। तो बहुत शुक्रिया। और बेटा आप क्या कहेंगे अपने अबू के बारे में? मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि सारे बहन भाई में सबसे छोटा था मैं, तो अबू साहब कभी किसी सियासी मसले पर या कोई दुनियावी जो बात हुई इस पर कभी इतनी ज़्यादा बात तो नहीं हो सकी, लेकिन बड़ा मज़ा आता था अबू साहब फिल्म देखने का, गाने सुनने का। फिर रात को ऐसा होता था खाने के बाद हम वॉक करने जाते थे, वॉक के दौरान फिर मैंने अबू से कहने का मुझे एक्टिंग का शौक है, मुझे कुछ आप टिप्स दे दिया करें। फिर मुझे उस टाइम पे वो टिप्स देते थे कि बेटा इनू इंज करना है, इंज करना है, वड्डियां नहीं इज्जत करनी है, कभी भी वड्डा बोल नहीं बोलना,
और हम लोग बेटा, हम लोग जिधर काम को छोड़ा है आपको वहाँ वहीं से कंटिन्यू करना है। हम लोगों का नाम ना बस बदनाम हो। मुझे बस इस चीज़ का दुख भी रहेगा, भाई का भी है, अपना भी है कि अब 2 महीने बाद भाई का जो है एल्बम रिलीज़ है, मेरा जो है 1 महीने बाद मेरा ड्रामा जो है वो रिलीज़ होगा, तो अबू नहीं होगा देखने के लिए। मुझे उस चीज़ का दुख है बहुत ज़्यादा। बस अब यही है कि बस हमें देख रहे हो, बस हमारी दुआ कर दिया करें अबू। मैं इतना ही कह सकता हूँ। अल्लाह भी आपको सब्र दे। बहुत शुक्रिया।